अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं सारे दोस्त? खैरियत से? ठीक ठाक हैं। ये लाइव स्टॉक एक्सपो हटड़ी बाईपास पे हम आए हुए हैं इस वक्त, और यहाँ पर ये दोस्त आए हैं, ये पंजाब से इनको इनवाइट किया गया है, राजनपुर ज़िले से आए हैं। ये जानवर लेके दाजल की ब्रीड है, इसकी आप हाइट देखें इस जानवर की। मैं आपको हाइट दिखाता हूँ, पहले बहुत ज़्यादा हाइट वाले और नखरे वाले जानवर होते हैं ये। अभी इसकी एज कितनी है, उम्र कितनी है इसकी? चार साल है। अच्छा, 4 साल का है। आप देखें इसकी कद, देखें आप, ठीक ठाक है। इस भाई का कद भी अच्छा खासा है, इस भाई के कद के साथ आप कंपेयर करें। हाँ, ये देखो, तकरीबन आपकी हाइट 6 फुट तो होगी, 6 फुट हाइट होगी भाई की। ये देखें, इन्होंने दोनों रस्सियों से बांधा हुआ इसको। ये देखें आप, अब थोड़ी रस्सी ढीली छोड़ना। ये इनका कद है, बहुत, यानी कि पंजाब से भी बहुत से जानवर आए हैं, पंजाब की भैंसें और पंजाब की जो बकरियों की ब्रीड्स हैं वो भी यहाँ पर आई हुई हैं। पंजाब की जो नीली रावी भैंस है वो, और सिंध की कुंडी भैंसें भी आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। देहरादून बना की जो बकरियाँ हैं वो, यानी कि पंजाब की और सिंध की जितनी लाइव स्टॉक की अच्छी अच्छी ब्रीड्स हैं वो सब यहाँ पर आई हैं एक प्लेटफॉर्म पे। आप खुद जाके नहीं देख सकते, आपको बड़ी परेशानी होगी, कई दिन आपको लगेंगे मुख्तलिफ इलाकों में जाने के लिए और देखने के लिए। यहाँ आपको ये फ़ायदा हो कि आप एक प्लेटफॉर्म पे आप 2 घंटे में या 3 घंटे में आप सुकून से अगर घूमेंगे तो आपको तमाम ब्रीड्स देखने को मिल जाएंगी, उनके मुतालिक आपको मालूमात भी मिल जाएगी और मजीद वीडियोज हम बनाते रहेंगे। अली, इसमें इनकी मादा भी दिखाओ ज़रा, मादा का कद कितना होता है? ये फीमेल है, इसकी भी हाइट देखें आप, तकरीबन इसकी अगर आप कमर से बात करेंगे 6 फुट के लगभग इसकी हाइट होगी, तकरीबन 6 फुट तक इनकी हाइट है इसकी। पीछे भी खड़ी है फीमेल, आप इसको भी देख लें, इसको जरा सीधा करिएगा जरा। अरशद गांव मेरे चका, ये आप हाइट देखें, इनकी हाइट ठीक ठाक है। ये एक और इनका नर बच्चा है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये इन भाई का माल है, तस्वीर। आप किस शहर से हैं भाई? आपका नाम बताइएगा और किस शहर से आप आए? जिला राजनपुर से, पंजाब से। और आपका नाम क्या है? मेरा नाम इब्राहिम है। इब्राहिम, तो कितने साल से पाल रहे हैं आप ये ब्रीड, ये नस्ल कितने अरसे से संभाल रखे आप लोगों ने? 20 साल हो गए। 20 साल से यही नस्ल संभाल के रखी हुई है। तो ये प्योर इसी हालत में होती है या कुछ और भी होता है? ये प्योर के साथ होता है, बेस्ट ये है। तो इसकी खूबी क्या होती है, क्या किस्सा, इसकी पहचान क्या होती है? पहचान रेस में दौड़ भागते आए। अच्छा, ताकतवर जानवर होते आए। अच्छा, दूसरा बच्चे अच्छे जमते आए। अच्छा, खूबसूरत, सारे इलाके की पहचान।